सपा शासनकाल में विधायक मसूद और मंत्री एसपी यादव के घर से पूरी डीलिंग होती थी बालू खनन की। अब मुझे तो लगता नहीं है कि कोई लड़ाई में ही है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये अपने में तय करें कि नंबर दो के लिए कौन। उस हिसाब से जेबा रिजवान लड़ाई में आ सकती है। बसपा जिन वोटों के आधार पर लड़ रही है वो योगी मोदी के एकदम अनन्य भक्त हो गए हैं, तो अब उनके पर हमें सहानुभूति ही है, यही कहूँगा। दीपांकर सिंह जिस नाव पर सवार हैं उस नाव में कम से कम 22 छेद हैं। बलरामपुर के तुलसीपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार व निवर्तमान विधायक कैलाश नाथ शुक्ला दावा करते हैं कि 5 साल उन्होंने खूब काम किया, उनके सामने लड़ाई में कोई नहीं है। जब उनसे उनके प्रमुख प्रतिद्वंदियों के बारे में पूछा जाता है तो वह कहते हैं मसूद खान की स्थिति पिछले बार के चुनाव में जैसी ही रहेगी, जबकि मेरी लड़ाई जेबा रिजवान से है। दीपांकर सिंह जिस नाव में चढ़े हुए हैं उसमें 22 छेद हैं, तो वहीं भुवन प्रताप सिंह जिस पार्टी के साथ चल रहे हैं उसका अपना जनाधार खिसक चुका है। आप देखिए योगेंद्र त्रिपाठी व सुशील मिश्रा के साथ यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं योगेंद्र त्रिपाठी, स्वागत है आप सभी का पत्रिका न्यूज पर। पत्रिका न्यूज का कार्यक्रम आज तुलसीपुर के अर्जुनपुर गांव में है और भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन चल रहा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाएं यहां का नजारा कि क्या माहौल है, कैसे लोग जुड़े हुए हैं। तमाम नेता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर इस समय कैंपेनिंग कर रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। और विधायक जी तुलसीपुर कैलाश नाथ शुक्ला जी भी हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे क्योंकि उनके ऊपर कई आरोप लग रहे हैं, कई प्रत्यारोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ कह रहे हैं तो यहाँ के लोग कुछ कह रहे हैं, जनता कुछ कह रही है, स्थानीय नेता कुछ कह रहे हैं, तो सारी बातों पर बात करेंगे। 10-15 मिनट का समय लेंगे आपका भी और विधायक जी का भी। विधायक जी सबसे पहले स्वागत है, 5 काम अपने गिनाइए जिसके जरिए जनता ये तस्दीक कर सके कि आपने 5 साल खूब काम किया है। 1 साल 1 काम। तुलसीपुर तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण मैंने कराया। तुलसीपुर देवीपाटन शक्तिपीठ से सिरसिया तक सरस्वती सीमा तक सड़क को जोड़ने का काम मैंने कराया, जो बरसों से पुरानी जर्जर पड़ी थी। आपका ये तुलसीपुर का पावर स्टेशन जो है को शुरुआत मैंने करा करके सबको बिजली देने का काम किया, 132। इसी प्रकार से 33/39 कितना है ये हरिहरगंज, वहाँ महाराजगंज तराई का, इसको मैंने अपने कार्यकाल में उद्घाटन करके और इसका लोकार्पण करके मैं बिजली देने का काम कर रहा हूँ। मथुरा का भी विद्युत उपकेंद्र स्वीकृत हो चुका है। अच्छा, और आपका ये महाराजगंज से लेकर ललिया तक का जो सड़क है इसको 2 लेन मैंने करवाया है। रास्ते में पड़ने वाले जितने पुल पुलिया हैं जो जर्जर थे, आवागमन लायक नहीं थे, उनको मैंने दुरुस्त करा करके पूरा आवागमन, किसी भी मौसम में किसी भी परिस्थिति में आवागमन सदा बहाल रहेगा। आप सड़क की बात कर रहे हैं, सड़क पे हम भी चल रहे हैं, आपके ही विधानसभा में हैं, आपके ही साथ हैं कुछ देर से, तो अब हमने जो देखा उसकी तस्वीर उलट नजर आती है। आपने NH बनवा दिया, SH बनवा दिया, उसके लिए तो केंद्रीय सड़क मंत्री आए थे, उन्होंने भी घोषणा की थी, तो उससे बना, आपका भी प्रयास रहा होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं रहा होगा। अतिरिक्त सड़कें जो हैं ग्रामीण मार्गों को जोड़ने वाली सड़कें हैं वो गायब हैं। नहीं नहीं, आपकी सूचना के लिए मैं बताना चाहूंगा, आप यहां से 2 किलोमीटर दूर लाल नगर सिपहिया से छतुआपुर होते हुए कौवापुर जाने वाली सड़क देख लीजिए, पूरे का पूरा मैंने नया सड़क बनवा करके लगभग 7-8 किलोमीटर मुझे लगता है होगा, और एक दर्जनों गाँव को जोड़ने का काम किया है। पूरा बरदौलिया, हाँ, हरिहरगंज ललिया बनकटवा मार्ग की बात आप कहना चाहते होंगे, वह फाइल स्वीकृत होकर के और शासनादेश जारी होने के पहले, चूंकि आचार संहिता चुनावी घोषणा जारी हो गई इसलिए उसकी जियो उसका जारी नहीं हो सका। उसी प्रक्रिया में जो उस मार्ग पर पड़ने वाले सारे पुल बन रहे हैं। लाल नगर के आगे भी एक सड़क है जो कौवापुर को जोड़ती है, उसी को तो बता रहा हूँ, वही नहीं बनी हुई है। महाराजगंज से कौवापुर वाली भी सड़क नहीं बनी हुई है, कौवापुर से महाराज, ये देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ये जनता आपकी है, आप विधायक चुने गए, आपने आप कौवापुर से जो इधर आती है अंदर होकर के, ये देखिए ये सड़क भी जो है हलाडी वाली, ये SR की प्रक्रिया में स्वीकृत हो चुका है, लेकिन चूंकि निर्वाचन आयोग की सूचना जारी हो गई इसलिए इसका काम नहीं हो पाया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं मेरे पास उसका प्रिंट आउट भी है। तो मतलब इस तरह से कितनी सड़कें होंगी विधायक जी जो
15 सड़कें अनुसंधान जारी होने के 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने स्वीकृत कराया है। भाई जनता सुन लीजिए, 15 सड़कें विधायक जी ने स्वीकृत कराई हैं, चुनाव के बाद आप इनसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, ये विधायक जी दिखा भी रहे हैं, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा एक बार जूम करके इसे दिखाएं भी। विधायक जी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो खनन जोरों पे रहा? कदापि नहीं, खनन तो सपा बसपा शासन काल में हुआ है। मैं इस बात के लिए गारंटी ले सकता हूँ, कोई मुझे सिद्ध नहीं कर सकता है कि एक बोरी बालू नहीं, आपके लिए कोई नहीं कह रहा है, मेरे किसी कार्यकर्ता ने, कोई चोर चमार कुछ करता होगा तो ये तो कदाचित तो उसको तो हम लोग प्रयास करते हैं, प्रशासन प्रयास करता है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि सपा शासन काल में विधायक मसूद और मंत्री एसपी यादव के घर से पूरी डीलिंग होती थी बालू खनन की, उनके यहाँ से परमिट जारी होता था, लेकिन मेरे यहाँ से डीएम के यहाँ से जो परमिट बनाता है उसके से जारी होता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है, कोई भी मेरा बहुत नजदीक होगा उसको मेरी छूट नहीं है कि वो खनन करे। दूसरी चीज, जंगल कटान भी हो रहा है, लोग कह रहे हैं, ये रिपोर्ट आ रहे हैं मीडिया में ना, ये बिल्कुल सूचना आप लोगों को गलत दिया गया है। मेरे जानकारी में एक छोटा सा डाल भी नहीं काटा होगा, आज भी जाइए, ये बसपा सपा शासन काल में समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं विधायक जी, जो अपनी बात कर रहे हैं भाई, कहने दीजिए। बसपा सपा शासन काल में अब आप जानते भी हैं, लेकिन अब हमसे कहलवा रहे हैं। नहीं, मैं कैसे कहूंगा, मैं जो है आपका पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं तो जनता का पक्ष रख, जो जनता आपसे सीधे सवाल नहीं कर सकती मैं वो सवाल कर रहा हूं। आप ना कहिए, मैं आपको कहने के लिए भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात है, सत्य है, प्रमाणित है कि सपा बसपा के नेता, खासतौर से सपा के नेता, लकड़ी काटने का पूरा ठेका उनके घर से चलता था। नाम भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है, अब तो चुनाव है। नहीं, नाम नहीं लूंगा जी। तो ये ठेका सपा बसपा वाले लेते थे, आप नहीं लेते। अच्छा अच्छा अच्छा, तीसरी चीज, स्कूल बंद रहा, जनता के बीच खूब नाराजगी है, कह दिया शराब का ठेका खोल दिया सरकार ने, ये आपकी ही सरकार थी यहाँ पे जब कोरोना चल रहा था, है ना, सरकार कह रही शराब का ठेका खोल दिया, बाजार खोल दिए, शॉपिंग मॉल खोल दिए, जिम खोल दिए, सारी चीजें खोल दी, स्कूल नहीं खोला, भाई बच्चों से क्या परेशानी थी? चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल से स्कूल भी खुल गया है, लेकिन इस बीच तीसरी लहर की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी और पहली लहर। ये बताइए, हमारे आपके परिवार के नौनिहाल की जिंदगी कितनी कीमती है, हम लोग की लापरवाही से, हम लोग के अत्युत्साह से कोई हमारे परिवार का, आपके परिवार का नौनिहाल छिन जाए तो कितनी बड़ी पीड़ा होगी। इसलिए हमारी जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता सरकार भी है, हमारी आपकी भी है। इसलिए जब लगा कि नहीं, अब कोरोना का कहर खत्म हो गया, लोग तो इसे दूसरे सेंस में ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार कह रही है भारतीय जनता पार्टी की कि अगर कोई पढ़ लिख लेगा तो वो फिर अधिकार मांगेगा, आप अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। अरे बताइए, प्राथमिक विद्यालयों को सबसे उच्चतर बनाने का प्रयास मैंने किया, विद्यालय को रेमुनेट मैंने करवाया, बच्चों के यूनिफॉर्म को मैंने ठीक किया, बच्चों को अच्छा ड्रेस मैंने दिया, बच्चों को अच्छा बैग मैंने दिया, जूता मोजा मैंने दिया, अध्यापक की उपस्थिति 100% सुनिश्चित हो इसको तय कराने का काम मैंने किया। तो ये ITI क्यों नहीं शुरू हो सका? ITI भी जो प्रक्रिया में निर्माण लगभग लगभग हो ही गया है, अब वो शीघ्र अगली बार में सरकार आ रही है तो ITI भी प्रॉब्लम होगा। अच्छा अच्छा, बड़ी रोचक बातें हो रही है विधायक जी से, और कुछ सवाल लेंगे। विधायक जी ये बताइए कि आपने 5 साल शासन किया, बहुत अच्छा चला, सारी चीजें बहुत अच्छी थी, अनाज दे दिया लोगों को भूखों नहीं मरने दिया, उधर सड़कों में खेतों में छुट्टा जानवर घुस गए, अब लोगों का गल्ला खत्म हो रहा है। ऐसा है कि छुट्टा जानवर एक स्वाभाविक समस्या है, क्योंकि पहले हमारी खेती बैलों के आधार पर होती थी, धीरे धीरे विज्ञान डेवलपमेंट हुआ, अब ट्रैक्टर आधारित खेती होने लगी, तो ये प्राकृतिक समस्या उत्पन्न हुई है। इसका भी समाधान हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि गोबर और गौमूत्र का वैज्ञानिक और मेडिकल की दृष्टि से मेडिकेटेड इसका उपयोग किया जाए, हल निकाला जाए, जिससे हमारे जो पशुपालक हैं, हमारे किसान हैं, वो पशुओं को रखने में के लिए प्रेरित हो। और ये ज्यादा टाइम नहीं लग गया? लगा, हम मानते हैं कि 7 साल से केंद्र में सत्ता, 5 साल से यहाँ पे। नहीं, इसमें दो बातें हैं, कल मैं एक व्यक्ति से मिला तो उसने कहा कि गौ समस्या इसलिए हो गई कि हम लोगों को रोक दिया गया, खाने नहीं देते हैं। खाने वाली बात तो ये देखिए, मैं हिंदू मुसलमान पे नहीं जाऊंगा, ये डिबेट कतई हिंदू मुसलमान पे नहीं मुड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि खाने नहीं दिया गया वो तो ठीक है, अभी एक किसान से मैं बात कर रहा था, यही कोई भगवानपुर गांव है, उसने कहा विधायक जी कि जो है पहले पशु बाजार लगते थे, लोग कैसे उपयोग करते थे मुझे नहीं पता, पशु बाजारों पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई, अब भाई ना तो कोई जानवर खरीदता है ना कोई बेचता है, घर में पड़े सड़ते रहते हैं, किसानों के पास उतना पैसा नहीं होता है तो हम लोग छोड़ देते हैं। अब बताइए,
योगेन जी, ये प्राकृतिक समस्या उत्पन्न हो गई है मैं मानता हूँ, लेकिन इसका भी समाधान मेरी ही सरकार करेगी, क्योंकि गौवंश के मल मूत्र का बहुत ही वैज्ञानिक और मेडिकेटेड उपयोग के लिए सरकार हमारी वैज्ञानिकों को तकनीकी बैठा करके योजना बना रही है। छत्तीसगढ़ में तो 2 साल से सरकार है, वहाँ ऐसे प्रयोग शुरू भी हो गया कांग्रेस की सरकार है। अरे तो दूर के ढोल सुहावन होते हैं खाली, आपने सुना होगा। नहीं, वो तो कांग्रेस अपने नीति पत्र में कह रही है, विधान पत्र में। लेकिन नीति भाई आपने बोलिया विधायक ना, नीति पत्र में तो कुछ भी कह सकती है सरकार, लेकिन धरातल पर जाकर देखिए वहाँ खींचा लेदर मचा हुआ है। अच्छा अच्छा, 2-4 बड़े वादे करिए जिससे जनता जब आपको वोट देने के लिए निकले तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ विधायक जी देंगे तो आगे। अब ऐसा है कि जो भी अवस्थाएं हैं क्षेत्र की, जैसे हमारा हरिहर गन ललिया बनकटवा मार्ग ये हो गया है, ये हमें जैसे विधायक बनेंगे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तो ही ये कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि और मेरा जो सबसे बड़ा वादा और प्रयास ये होगा कि अगले कार्यकाल में मैं कोई ऐसा औद्योगिक संस्थान यहाँ स्थापित करूँ जिससे कुछ लोगों को रोजगार मिल सके, शिक्षा के। रोजगार तो विश्वविद्यालय खुल जाता है यहाँ पे तब भी मिल जाता, कह रहे हैं विपक्षी आपके आरोप लगाते हैं विश्वविद्यालय गोंडा भिजवा दिया गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, विश्वविद्यालय के लिए भी हमारी सरकार की नीति है, हमारी सरकार की नीति है कि अधिकतम विश्वविद्यालय खोले जाए, तो मैं प्रयास करूंगा कि ये अटल जी का और नाना जी का क्षेत्र रहा है तो उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय खोला जाए। और यहाँ मैं ये भी प्रयास करूंगा कि महिलाओं के और लड़कियों की शिक्षा के लिए भी उच्चतर व्यवस्था की जाए। अंत करते करते एक बात और याद आ गई, हम लोग परसों एक गाँव में थे, उसका नाम है अहिरवनपुरवा और आनंदपुरवा, नेवलगंज कोई गाँव है वहाँ का वो इलाका है, वहाँ के लोगों में बहुत नाराजगी है आपके ही प्रति नहीं तमाम नेताओं के प्रति, जो तमाम दलों के नेता हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि अभी कोई नेता आएगा तो हम उसका स्वागत तमाम उन चीजों से करेंगे जो मैं आपसे नहीं कह सकता। तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, काम नहीं हुआ कह रहे हैं, सड़कें नहीं बनाई गई, नाले से कटान से गाँव पूरा प्रभावित है, उसको कंट्रोल करने का काम नहीं किया गया, तो आप क्या उन ग्रामीणों को कुछ आश्वस्त करना चाहिएगा? मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अनंतपुरवा के जो नाले के कटान की बात थी वो मैंने ही जो है शासन से आदेश करवा करके और भी इसी बरसात के पहले उसका मैंने कटान रुकवाया है, थोड़ा उसमें काम होना और बाकी है, वो आगे मैं करवा दूंगा। अनंतपुरवा की बात मैं बता रहा हूँ, अनंतपुरवा में मैंने स्वयं शासन को निर्देश दे करके उसको करवाया है, वो आप जाकर के देख भी सकते हैं, कटान रुकी है, गाँव वालों ने कहा भी कि हाँ ये आपने कटान रुकवा दिया, सड़क कट रही थी वो रुक गई है। और जो रास्ते संबंधित वाली थोड़ी समस्या है, मैं प्रधान से वहां संबंधित प्रधान है जो भी अभी समझ चुके, आचार संहिता लगा हुआ है, हम कुछ आप तो पावर में है, आपकी डीएम पावर में है, वो बहुत कुछ करवा। हाँ, डीएम से आपने सही कहा, देखिए मैं तो पावर में अब नहीं हूं। तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, अरे आप नहीं वर्तमान विधायक है, आपकी कौन नहीं सुनेगा भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि वो गांव वाले कह रहे हैं कि आप कोई भी घुसेगा पहली बात तो उसे घुसने नहीं दिया जाएगा गाँव में, और दूसरी बात वो मतदान का बहिष्कार करेंगे, लोकतंत्र के उत्सव में मान लिया 2500 आदमी कट जाते हैं तब क्या होगा आप बताइए। नहीं नहीं, वो जो गाँव की समस्या है मैं डीएम से आग्रह करूंगा कि इसको करावे, क्योंकि ऐसा है कि अब कहीं ना कहीं आचार संहिता के कारण हम लोग के बात में वो दम नहीं रह गया जो चुनाव पहले रहता था, लेकिन मैं डीएम से कहूंगा कि वो जिन्हें समस्या है उसका समाधान करा। और बड़े वादे करते जाइए जनता के सामने, एक आपने किया था बीच में सवाल आ गया। मैंने कहा तो एक मैं जो आप है कैसे गिनवा दीजिए, मैं गिनता रहूं। आप गिनते रहिए, एक औद्योगिक कोई ना कोई संस्थान लगाऊंगा जिसे लड़कियों की शिक्षा के लिए मैं कोई बड़ा महिला विद्यालय खोलने का काम करूंगा। मैं आपके ये विद्युत आपूर्ति और बढ़िया हो, विद्युत आपूर्ति और बढ़िया हो, इसके लिए मैं सिपरा का जो विद्युत उपकेंद्र ध्वस्त हो गया है मैं उसको बनवाने का काम करूंगा। मैं बेला कोंडरी का एक जो आवागमन गमन की दृष्टि से एक वो पुल है, पुल में नहीं, पुल कुछ वहाँ है ही नहीं, वो मैं पुल बनवाऊंगा। एक हमारा ये मथुरा चौधरी डी का जो मार्ग है, बल्कि हम समझ लीजिए कोलरी से, हाँ इसको मैं इसको चौड़ीकरण का, और आपका रोडवेज का बस स्टेशन भी सिद्धांता स्वीकृति तुलसीपुर में हो चुकी है, उसको मैं जमीन तल उतरवा रहा हूँ, वह मेरा शीघ्र बन जाएगा। अब अंत समय में ये बता दिए लड़ाई किससे है आपकी, जेबा रिजवान, भुवन प्रताप सिंह या दीपांकर सिंह या कोई और, मसूद खान भी लड़ रहे हैं। अब मुझे तो लगता नहीं है कि कोई लड़ाई में ही है, ये लोग सब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और ये अपने में तय करें कि नंबर 2 के लिए कौन आपस में कौन कौन लड़ रहा है, क्लियर करते चलिए।
में कौन कौन विधायक आपस में कौन? मेरी बात का राजनीति मत निकालिएगा। राजनीति की बात हो रही है, पूरा चुनावी राजनीति का। हमें तो लगता है जो पिछले चुनाव 2017 का जो रिकॉर्ड रहा है उस हिसाब से जेबा रिजवान लड़ाई में आ सकती है। तो फिर सपा के टिकट पे मसूर लड़ रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो तो पिछली बार भी लड़े थे, कोई नया उनकी लड़ाई है? अच्छा बसपा वाला भी लड़ रहा है भुवन प्रताप सिंह, वो क्या करेंगे भाई? बसपा जिन वोटों के आधार पर लड़ रही है वो योगी मोदी के एकदम अनन्य भक्त हो गए हैं, तो उनका 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 वोट का कोई आधार ही नहीं रह गया है, तो अब उनके प्रथम सहानुभूति ही है, यही कहूंगा। इसके अलावा एक और नौ युवक है दीपांकर सिंह कांग्रेस। हाँ दीपांकर सिंह जिस नाव पर सवार है उस नाव में कम से कम 22 छेद हैं। मीडिया का जो रिपोर्ट आ रहा है पूरे प्रदेश में इनको दहाई में सीटें नहीं मिलने जा रही हैं, तो उनके पर भी मेरी सहानुभूति ही हो सकती है। आदमी मीडिया की रिपोर्ट आपके पक्ष में भी बहुत सारी है, लेकिन अभी कहना मुनासिब नहीं होगा, अब देखते चलिए। चुनाव रंगदार हो रहा है, चुनाव में मजा आ रहा है और विधायक यहाँ पर खुद कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी को कितने मत मिलेंगे और क्या वो यहाँ से एक बार फिर विजयी होगी, और अगर विजयी होती है तो विधायक जी ने जो वादे किए हैं वो क्या पूरे हो सकेंगे? योगेंद्र त्रिपाठी, पत्रिका न्यूज के लिए।